पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, जहां पर आप मौजूद हैं, जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर कई सारी चुनौतियां हैं। एक तो घर के भीतर पानी घुस रहा है, उसके अलावा घर का सामान बचाना है, कैसे अपने परिजनों को घर से बाहर निकालना है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम क्या वाकई काफी है इन तमाम लोगों को वहां से निकालने के लिए? देखिए, यहां हम क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, अभी कुछ देर के लिए हम भी असंतुलित हो गए और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की एक बोट ही हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक फुटपाथ नजर आता है, लेकिन तस्वीर देखिए, ये देखिए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा तस्वीरों में, बांस लेकर जा रहे हैं ताकि एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हो सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं पुरुष अपने परिवार को लेकर बाहर आने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें छतों पर सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। छतों की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये मकान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं चारों तरफ, नेहा, ये पूरी तरह से डूब चुकी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात की है कि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को गर्दन तक पानी में डूबकर बाहर निकलना पड़ रहा है, कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में अब आपको एनडीआरएफ की ये टीम नजर आ जाएगी जो गलियों में जा रही है, एक ही बोट है यहाँ पे, लोगों को बचाने की कोशिश है, लोगों को दिलासा देने की कोशिश की जा रही है जो छतों पर मौजूद है, नाव चलाकर यहाँ पे नजर आ रहे हैं बाहर निकलते हुए। कुछ लोगों को रेस्क्यू जैकेट भी पहनाई गई है और अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या और मदद यहाँ पर मंगाई जाती है, लेकिन प्रशासन से खासी नाराजगी है। क्या नाम है आपका, बताइए? चांद, चांद नाम है भाई। यहाँ पर कम से कम नहीं तो भाई 1200 लोग फंसे हुए हैं। अच्छा जी हाँ, इससे कम नहीं होंगे। ये देखिए, ये शख्स गिर गए, ये शख्स यहाँ पे गिर गए, जाहिर ठीक है। पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी, ऐसे कई इलाके होंगे क्योंकि लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं, आज के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि कल हमने देखा था कि सीएम ने एक आपात बैठक बुलाई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया है आखिर? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं कि जिन इलाकों में पानी घुसा है वहां पर तो परेशानी है ही है, लेकिन जो लोग रिंग रोड के जरिए कश्मीरी गेट आगे की तरफ जाना चाहते हैं उस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस रोड पर किस तरीके से पहुंच जाए। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और खुद इलाके के जो डीसीपी है वो खुद यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी गेट रिंग रोड पर पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है, लोग उस तरफ ना जाएं, इसको लेकर के हिदायत जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि आप रिंग रोड की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये पूरा रूट जो कि वजीराबाद से बुराड़ी से होता हुआ कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री और तिब्बतन मार्केट होते हुए मजनू टीला होते हुए कश्मीरी गेट गीता कॉलोनी जाता है, उस रोड पर पानी काफी ज्यादा सड़क पर आ गया और ऐसे में ट्रैफिक की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है। और यही वजह है, मैं लौटूंगी आपके पास, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से पंकज का रुख करेंगे। पंकज, आप देख पा रहे हैं वहां पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, करीब 1200 इनकी संख्या बताई जा रही है, लेकिन अगर आज और ज्यादा बारिश होती है या फिर हथनी कुंड बैराज से और पानी छोड़ा जाता है तब तो ये स्थिति और ज्यादा विकट होने वाली है। देखिए, आपने नेहा हथनी कुंड बैराज का जिक्र किया, मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं और आंकड़ा आपके लिए बता दें कि चिंता ही बढ़ाएगा। रात को 12 बजे से लेकर अभी सुबह 8 बजे तक हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अगर हम इनको जोड़ लें तो ये 10 लाख से ज्यादा हो जाता है। और अहम बात यह होती है नेहा कि जो पानी होता है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा हुआ, वो 24 घंटे बाद हम तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे जो पानी छोड़ा गया उसकी तस्वीरें अंदाजा लग पाएगा कि आखिरकार वहां पर क्या इस वक्त हालात है। तस्वीरें देखते रहिए नेहा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बोट अब अंदर के इलाकों में जा रही है, लोगों को आवाज लगा के सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि वो पानी में ना उतरें। साथ ही साथ मैं आपको जो आंकड़े बता रहा था, आज भी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 10 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, 24 घंटे बाद ये दिल्ली में पहुंचेगा तो और क्या हालात होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह 4 बजे जब लोग सो रहे थे, थोड़े बहुत अलर्ट पे थे, घर के कुछ लोग नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तभी पानी जो है घरों के भीतर घुस गया। और यहाँ पे जो रहने वाले शख्स हैं, बताइए कितने लोग आपके परिवार के हैं अंदर? यहाँ पे 5 मेंबर हैं फैमिली के। अभी
बाहर नहीं निकले? निकल चुके हैं लेकिन एक मेंबर अभी अंदर ही फंसा हुआ है। अच्छा, महिलाएं बच्चों के क्या हाल है? महिलाएं बच्चों को तो सबको सेव कर दिया है। सामान आपका? सामान वन सब डैमेज हो चुका है, पानी में डूब गया, सबको डूब चुका है। कोई हेल्प करने के लिए आया? कोई नहीं, कोई नहीं। कैसे पहुंचे यहाँ तक तैर के? अपने आप ही आए, धीरे धीरे जब पानी बढ़ने लगा तो हम धीरे धीरे ऊपर आते चले गए। तकलीफ भी हुई क्या पानी में इस तरह से तैर कर? ठीक है, पंकज मैं लौटूंगी आपके पास। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं दरअसल किस तरीके से वो इस पानी से बाहर निकले हैं, और जाहिर तौर पर इस वक्त जो इंतजाम हैं वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं।